now just look at my hair. It's so soft. It's so smooth. Hey, my loves. Hi. Welcome back to my channel. I hope you all are safe. So today I'm going to share my hair spa routine. Like कैसे मैं घर पे अपना hair spa करती हूँ. Guys know कि मैं कुछ भी चीज़ों के लिए बाहर पार्लर नहीं जाती हूँ. Like जितना हो सके मैं अपने आप करने की ट्राई करती हूँ. मुझे बहुत सारा कमेंट्स मिलता है मेरे हेयर के ऊपर कि आपका हेयर इतना यू नो स्मूथ कैसा है, इतना सिल्की कैसा है, कोई टिप्स दे दो. एंड कुछ अगर फॉलो करती हो तो रूटीन हेयर स्पा शेयर करो. मैं करने वाली थी हेयर स्पा घर पे, सो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो शेयर किया जाए आप लोगों के साथ, ताकि आपको भी इससे थोड़ा सा हेल्प मिले. एंड अगर आप चाहे तो आप घर पे कर सकती हो. लाइक थोड़ा सा पैसा बच जाता है इससे, घर पे भी अमेजिंग रिजल्ट आता है. लाइक राइट नाउ, लाइक इट्स द नेक्स्ट डे, मैंने कल किया था हेयर स्पा, जो मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर में ही कैसे मैंने किया है. एंड राइट नाउ जस्ट लुक एट माई हेयर. इट्स सो सॉफ्ट, इट्स सो स्मूथ एंड सो सिल्की. मंथ में एक बार आपको हेयर स्पा करवा ही चाहिए. डिपेंड करता है आपके हेयर कंडीशन के ऊपर कितना ड्राई है, कितना फ्रीजी है, तो कितना मतलब हेयर फॉल का प्रॉब्लम हो रहा है या नहीं. सो उसके ऊपर डिपेंड करता है, नहीं तो आप मंथ पे इसे एक बार कर सकते हो. मैं मंथ पे एक बार करती हूँ, कभी कभी दो मंथ पे एक बार करती हूँ. इतना ड्राईनेस का प्रॉब्लम नहीं है, बट आई हैव लाइक हेयर फॉल प्रॉब्लम, आपको पता होगा. सो उसके लिए भी हेयर स्पा बहुत बेनिफिशियल है. हेयर स्पा करने के बाद आपका हेयर फॉल कम हो जाता है, डैंड्रफ कम हो जाता है, हेयर स्मूथ होता है और बहुत स्ट्रेंथ मिलता है हेयर को. हेयर जो ड्राइनेस फिजिकनेस होता है वो कम हो जाता है. सो हेयर स्पा इज़ रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड मैं ये हेयर स्पा बहुत ही क्विक, क्योंकि मैं बहुत लेजी हूँ, सो मैं बहुत ही क्विक एंड दो स्टेप में करने वाली हूँ. सो इफ़ यू वॉन्ट टू नो कि मैंने अपने हेयर स्पा कैसे किया है घर पर, प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग. एंड बिफोर स्टार्टिंग, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो जस्ट hit the red subscribe button because it's totally free. And yeah guys, let's get started. I washed my hair yesterday with shampoo and aaj main kar rahi hu apne hair spa. Agar aap hair spa kar rahe ho to jis din aapne wash kiya hai us din kar sakte ho, like thoda sa dry hone ke baad, and uske next din bhi kar sakte ho. But make sure ki aap hair wash karne ke baad bahar na ja rahe ho, like pollution and sunlight ke andar na ja rahe ho. So the first step is oiling and massage. So for the first step I'm going to use True Hair Ayurvedic वार्म ऑयल थेरेपी. एंड किसी भी ऑयल का यू सबसे ज़्यादा बेनिफिट पता है कब मिलता है, जब हम इसको वार्म करते हैं, यानी कि हीट करते हैं. उससे अपना मसाज करने से अपने हेयर का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो इम्प्रूव होता है, एंड साथ ही साथ जो हमारा बाकी हेयर प्रॉब्लम्स है वो भी सॉल्व हो जाता है. सो हमेशा जब आप मसाज कर रहे हो ना, फर्स्ट स्टेप में ऑयल को हमेशा वार्म अप कर लो. एंड मेक श्योर कि आप उससे ज़्यादा गर्म नहीं कर रहे हो. आप चाहे तो किसी भी यू नो कंटेनर में, आप चाहे तो माइक्रोवेव में या फिर ओवन पे आप हीट अप कर सकते हो, बट उससे चांसेस क्या रहता है कि कभी कभार ऑयल ज़्यादा हीट हो जाता है, पता नहीं चलता. एंड ज़्यादा हीट होने से ना ऑयल का जो बेनिफिट्स होता है, जो न्यूट्रिशंस होता है, वो सब गायब हो जाता है. लेजी पीपल लाइक मी वो प्रोसेस फॉलो भी नहीं करते. आई नो डायरेक्ट अप्लाई करते होंगे विदाउट लाइक ऐसे ही वॉर्म बिना किए. सो मेरे लाइक लेजी पीपल के लिए ये बहुत काम का चीज़ है. तो ये एक्चुअली ट्रू हेयर के साथ पैकेज में फ्री मिलता है. ये हीटर है. सो ये आपको एक्चुअली प्लग इन करना होता है. एंड आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आपको ऑयल डाल के, जितना आपको चाहिए ऑयल का अमाउंट वो डाल के आपको बस प्लग इन करके स्विच ऑन करना होता है. इस पर आपका ऑयल जो है वो ज़्यादा गर्म नहीं होगा. ये कुछ देर बाद अपने आप ही एक सर्टेन हीट पे जाके बंद हो जाता है, यानी कि आपका हेयर ऑयल बिल्कुल सेफ है इसके साथ. इसका बेनिफिट जो है वो आपको भरपूर मात्रा में मिलने वाला है. सो मैं इसी के हेल्प से आज हेयर ऑयल को हीट अप करूँगी. तो मैं अभी इसे प्लग इन करने वाली हूँ एंड लेट्स वेट फॉर सम लाइक 5 to 10 मिनट्स. उसके बाद मैं इसे अप्लाई करूँगी. सो मेरा हेयर ऑयल यहाँ पे वार्म हो चुका है एंड मैं इसे अभी अप्लाई करूँगी. मैं हेयर ऑयल को बस अपने स्कैल्प पे अप्लाई करूँगी, मैं पूरी हेयर पे इसे अप्लाई नहीं करूँगी. एंड बहुत ही जेंटली मसाज करें, लाइक डोंट गो लाइक दिस, बिल्कुल नहीं. आपको बहुत जेंटली मसाज करना है. आपको अराउंड लाइक 5 to 10 मिनट्स तक आपको मसाज करना है स्कैल्प पे इसे. True Hair comes with the world's first hair oil heater, जो आपका काम बिल्कुल आसान कर देता है. एंड ये 65 डिग्री तक जाके अपने आप बंद हो जाता है. एंड जितना टेम्परेचर में ऑयल का मैक्सिमम बेनिफिट मिल सकता है उतना आपको मिलता है. इसमें आंवला, भृंगराज, हिबिस्कस जैसी बहुत सारी बेनिफिशियल हर्ब्स है, जो आपके हेयर फॉल प्रॉब्लम को कम करता है, डैंड्रफ प्रॉब्लम को कम करता है एंड प्रीमैच्योर ग्रेइंग को प्रिवेंट करता है. एंड ऑयलिंग करने से आपका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है स्कैल्प में वो इंक्रीज होता है एंड आपका हेयर का रूट्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है.
If you want to purchase this hair oil and heater combo, आपको नीचे description box में इसका link मिल जाएगा and आपको ये अभी कुछ time के लिए 25% off में मिल जाएगा एंड आप जितने बार ट्रू हेयर के वेबसाइट से परचेज करोगे उसका 5% जाएगा रूरल गर्ल्स की एजुकेशन के लिए। एंड मसाज पार्ट इज डन राइट नाउ, सो हम मूव ऑन करते हैं स्टेप टू की तरफ विच इज हेयर मास्क। सो मैं आज एक DIY द बेस्ट हेयर मास्क अप्लाई करने वाली हूँ जो मैं हमेशा से करती आ रही हूँ लाइक पास्ट 4 या 5 ईयर्स से। सो यहाँ पे मैंने लिया है दही, जो आप चाहे तो जो घर पे बनाते हो दही वो भी यूज़ कर सकते हो या फिर आप दुकान से भी ला सकते हो। सो ये एक्चुअली दुकान वाला दही है एंड दही के साथ मैं ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून ऑफ हनी एंड उसके साथ ही मैं ऐड करूँगी 1 कैप्सूल ऑफ विटामिन ई। अगर आपके पास ये ना हो तो आप स्किप कर सकते हो। दही को हेयर केयर के लिए यूज़ करना एक्चुअली इंडिया का बहुत ही ओल्ड एक प्रोसेस है। दही में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होता है एंड ये हमारे जो स्कैल्प का इचनेस का प्रॉब्लम है, जो डैंड्रफ का प्रॉब्लम है, इसे सॉल्व करता है एंड साथ ही साथ दही में विटामिन B5 एंड B होता है जो कि बहुत ही बेनिफिशियल होता है फॉर आर हेयर एंड दही में रिच फैटी एसिड होता है जो कि हमारे हेयर को स्मूथ एंड क्रिस्पी बनाने में हेल्प करता है। एंड जब नीचे अप्लाई कर रहे हो तो मेक श्योर कि आपका जो हेयर हो वो थोड़ा सा गीला हो, गीला हेयर पे ना मास्क अच्छी तरह से अप्लाई हो जाता है एंड हेयर स्ट्रैंड्स के अंदर तक यू नो जा पाता है। सो थोड़ा सा वेट कर लो पानी से, बिल्कुल गीला नहीं करना है, बस थोड़ा सा वेट करना है एंड देन आपको नीचे पार्ट में आपका लाइक नीचे वाले पार्ट पे आपका हेयर मास्क जो है उसे अप्लाई करना है। हनी में इमोलियंस एंड ह्यूमेक्टेंट प्रॉपर्टीज़ होता है जो हमारे हेयर को मॉइस्चराइज करता है एंड हमारे हेयर में जो डलनेस होता है ना उसे बिल्कुल दूर कर देता है एंड एक ब्यूटिफुल शाइन लाता है हेयर पे। इसमें मैंने ऐड किया है विटामिन ई, तो विटामिन ई में नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होता है जो हेयर ग्रोथ में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है एंड हेयर में मॉइस्चर लॉक करता है। तो ये अच्छी तरह से अप्लाई हो गया यू कैन सी एंड इसके बाद आपको क्या करना होता है, हीट अप करना होता है। सो स्टीम के लिए मैं क्या करूँगी, मैं एक गर्म पानी पे टॉवल को भिगो के एक्सेस वाटर को थोड़ा सा निकाल के उसके बाद ही अपनी पूरी हेयर को अच्छी तरह से रैप कर लूँगी एंड आई विल कीप इट फॉर 1 आवर। आफ्टर दैट आपको अपने हेयर को वॉश कर लेना है शैम्पू से एंड शैम्पू को आपने अपने बस स्कैल्प पे मसाज करना है एंड इसके बाद वॉश कर लेना है। अपनी पूरी हेयर पे अप्लाई करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है बिकॉज दही इज़ इनाफ फॉर दैट। दैट वॉज इट गाइज, मैंने अपने हेयर को कल वॉश किया था, मेरे पास ड्रायर नहीं है तो मैं बस एयर ड्राई करती हूँ एंड कल एक्चुअली एयर ड्राई करते करते शाम हो गया था इसलिए मैंने शूट नहीं कर पाई कल एंड इज द नेक्स्ट डे एंड यू कैन सी द शाइन, यू कैन सी द स्मूथनेस, लाइक इतना ज़्यादा स्मूथ एंड इट फील्स सो सो सॉफ्ट यू गाइज। द ऑयल एंड द हेयर मास्क बोथ लाइक यू नो मैजिकली वर्क किया है मेरे हेयर पे। वन टाइम करके देखो उसके बाद यू विल गेट टू नो, यू विल गेट टू सी द डिफरेंस एंड या गाइज दैट्स इट for today's video. I hope you guys enjoyed it and agar aapko thoda sa helpful lage video to ek like zarur kar dena and I'll see you guys in my next video. Till then bye, take care and I love you all.